2 दिसंबर को मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली होगी जिसको आदरणीय प्रियंका गांधी जी संबोधित करेंगी, और आज अजय कुमार लल्लू जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ। उनका आगमन का प्रयोजन था कि एक तो कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हो, और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं हमारे यहाँ स्थानीय कांग्रेसियों की रैली के लिए उनको परखा जाए। तो सभी कार्यकर्ताओं ने बिंदुवार तरीके से उनकी किस तरीके से उपस्थिति रहेगी मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा रैली में उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी से मिलकर के उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में पधारकर नए उत्साह का संचार किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 तारीख को प्रतिज्ञा रैली होगी वो बहुत ऐतिहासिक होगी, और गौतम बुद्ध नगर के जितने भी कांग्रेसी हैं सभी कार्यकर्ता बहुत दमखम के साथ, बहुत मजबूती के साथ उस रैली में पहुंचने वाले हैं, और सभी को जिम्मेदारियां भी आवंटित की गई है। धन्यवाद। करनी है और प्रियंका जी की रैली को सफल बनाना है 2 तारीख को, उस विषय में मेरे और यहाँ पे बैठे हैं सभी अपनी अपनी राय दें, अध्यक्ष जी के बताए, दीपक भाटी जी हैं, हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर जी हैं, मनोज भाई हैं, सभी कांग्रेस नेतागण जितने भी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी आए, किन मुद्दों को लेकर आज मीटिंग हुई? जो रैली है मुरादाबाद में प्रियंका जी की, उसको सफल बनाएंगे। पूरी गौतम बुद्ध नगर टीम ने कमर कस ली है, पूरी मेहनत से मुरादाबाद पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं किस तरह की, पूरा संगठन पूरा जिला पूरी मेहनत से तैयारी पे है, 2 तारीख को रैली का समापन। आज माननीय अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम सभी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने आए हैं, और हमें टारगेट दिया गया है कि हमारे जिले से लगभग 2000 आदमी इस रैली में पहुँचना चाहिए। उनके आने से उनसे पहले हमारे महामंत्री दो विदित चौधरी जी और महेंद्र सूद साहब दोपहर को आए थे, और तभी सब लेकर जो का तैयार कर लिया गया था, लेकिन उनके आने के बाद और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आया और सब दल बल के साथ 2 तारीख को प्रियंका जी की रैली में हम पहुँचेंगे और अपना जोश दिखाएंगे, और आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस की लहर और कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। धन्यवाद। जय कांग्रेस। नेता जी, आज प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जिला कार्यालय पर आए हैं, कैंप कार्यालय पर, किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई और आपके क्या विचार हैं? हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा प्रतिज्ञा रैली का जो सिलसिला है वो अब मुरादाबाद आ पहुंचा है, और 2 दिसंबर को मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली होगी जिसको आदरणीय प्रियंका गांधी जी संबोधित करेंगी, और आज अजय कुमार लल्लू जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनका आगमन हुआ। उनका आगमन का प्रयोजन था कि एक तो कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हो, और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं हमारे यहाँ स्थानीय कांग्रेसियों की रैली के लिए उनको परखा जाए। तो सभी कार्यकर्ताओं ने बिंदुवार तरीके से उनकी किस तरीके से उपस्थिति रहेगी मुरादाबाद में होने वाली प्रतिज्ञा रैली में उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष जी से मिलकर के उनका आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में पधारकर नए उत्साह का संचार किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2 तारीख को प्रतिज्ञा रैली होगी वो बहुत ऐतिहासिक होगी, और गौतम बुद्ध नगर के जितने भी कांग्रेसी हैं सभी कार्यकर्ता बहुत दमखम के साथ, बहुत मजबूती के साथ उस रैली में पहुंचने वाले हैं, और सभी को जिम्मेदारियां भी आवंटित की गई है। धन्यवाद। नेताजी, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा कार्यालय में, किन मुद्दों को लेकर बात हो रही है और आपने क्या प्रस्ताव रखा? देखिए, हमारे आज प्रदेश के लोकप्रिय संघर्षशील जुझारू कर्मठ और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लाडले दुलारे श्री अजय कुमार लल्लू जी का हम आज गौतम बुद्ध नगर कार्यालय पर स्वागत करते हैं।
अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो मेहनती और संगठन के लोग हैं उनसे अकेले पर एक एक मिलकर चर्चा की और हमने भी एक प्रस्ताव रखा है कि आदरणीय अध्यक्ष जी, गौतम बुद्ध नगर जिले में खासकर एक समस्या शुरू से पैदा हुई है। जब चुनाव नजदीक आते हैं गौतम बुद्ध नगर में कई लोग कहीं दूसरे दल से पार्टियों से आते हैं और वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय आते हैं और उनको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा देने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। कम से कम अब की बार ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस का वर्कर अगर ऐसे समय में भी कांग्रेस के साथ जुड़ा है वास्तव में बधाई के पात्र है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता 20-30 साल से जुड़ा हुआ है, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है और क्षेत्र में समस्याओं को लेकर कांग्रेस की जल कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाता है, मेरा मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने माना है, उन्होंने कहा कि सर्वे चल रहा है, ऐसा अब की बात नहीं है। यदि बाहर से प्रत्याशी पैराशूट ला दिया जाता है तो आप क्या, अगर बाहर से पैराशूट प्रत्याशी आता है तो कहीं ना कहीं इसका विरोध। धन्यवाद।